everyone welcome to all in science class dear student in this class we will start the next lesson the next topic the name is lunar eclipse in previous class i have told you about the eclipse i have explained that what is eclipse but in today class we will start the part of eclipse uh, we have i have told you that eclipse are two types ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स इन इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द ल्यूनर एक्लिप्स सो लेट्स वेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून जब हमारी अर्थ जो है मून और सन के ठीक बीच में हो जाती है ठीक है तो उस समय हमारा ल्यूनर एक्लिप्स घटता है ल्यूनर एक्लिप्स की जो घटना है वो घटित होती है आप यहां पे इस फिगर को देखो ये हमारा सन है और ये हमारा मून है और ठीक बीच में हमारी अर्थ है ठीक है तो मतलब कि जब हमारी अर्थ बीच में होगी तो शेडो किस पे बनेगा शेडो बनेगा हमारा मून के ऊपर ठीक है और इसी को हम बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स मतलब कि ल्यूनर एक्लिप्स में जो शेडो बनेगा वो हमारा मून के ऊपर बनेगा ऐसे समझो ठीक है वेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन समाइम इट कम्स बिटवीन द सन एंड मून जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सन जो है मून और सॉरी जो अर्थ है हमारी वो मून और सन के कभी कभी बीच में भी आ जाती है चूँकि ये सन के चारों तरफ मूव करता है ये अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड रिवॉल्यूशन करती है और ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो एक टाइम पे होता क्या है कि ये जो अर्थ और मून और ये सन है तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और कभी कभी अर्थ जो है मून और सन के बीच में भी आ जाती है ठीक है द शेडो ऑफ अर्थ कास्ट ऑन मून और अर्थ का जो शेडो है वो मून के ऊपर बनता है हमने पढ़ा है कि जब सैडो कब बनती है जब सैडो तब बनती है जब हम सोर्स से आने वाली किसी लाइट को ब्लॉक कर दें तो उसका सैडो जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है तो इधर से लाइट आ रही है और इसको हम अगर किसी चीज़ से ब्लॉक कर दें तो इसका जो है सैडो इसके ठीक अपोजिट साइड इसका अपोजिट किधर होगा इसका अपोजिट होगा इस साइड में या फिर इस साइड में वहां पे उसकी बनेगी, ओके? Okay? <coughs> इस ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट जहां से लाइट आ रही है उसके ठीक अपोजिट में द शेडो ऑफ द अर्थ कास्ट ऑन मून अर्थ का एक शेडो बनता है मून के ऊपर द पार्ट ऑफ द शेडो दैट टोटली ब्लॉक्स सन लाइट इज कॉल्ड द अम्बरा अब इसमें क्या होता है जब ये सैडो बनता है हमारा मून के ऊपर तो एक पार्ट इसमें ऐसा होता है ये वाला पार्ट जो इस सन लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है जिसे हम अम्बरा कहते हैं ठीक है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जब ल्यूनर एक्लिप्स की घटना घटती है तो उसमें होता क्या है कि अर्थ का एक पार्ट ऐसा होता है जो मून लाइट सन लाइट को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और जिसे हम अम्ब्रा कहते हैं लेकिन आप जानते हो कि सन लाइट यहाँ से भी गुजरेगी और फिर ये यहाँ से भी गुजरेगी तो ये वाला जो पार्ट है इसको तो पूरी तरह लाइट को ब्लॉक करेगी नहीं ना तो इसको कर पाएगी तो यहाँ पे तो शेडो बनेगा लेकिन वो शेडो हल्का बनेगा ठीक है और ये जो हल्का शेडो वाला पार्ट बनता है इसको हम बोलते हैं पेन अम्ब्रा क्या बोलते हैं पेन अम्ब्रा इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा और इसको बोलते हैं पेन अम्ब्रा मतलब जहां पे डार्क शेडो बनेगी उसे हम अम्ब्रा बोलेंगे और जहां पे लाइट शेडो बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे पेन अम्ब्रा ओके तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया अम्बरा क्या होता है और पेन अम्ब्रा क्या होता है द अदर पार्ट ब्लॉक्स ओनली अ पार्ट ऑफ द सनलाइट इज़ कॉल्ड पेन अम्बरा वो पार्ट जो सनलाइट के कुछ पार्ट को ही ब्लॉक करे उसे पेन अम्बरा और वो पार्ट जो सनलाइट के पूरे पार्ट को ब्लॉक कर दे उसे हम क्या बोलेंगे अम्बरा बोलेंगे या फिर आप ऐसे समझो कि जहाँ पे डार्क साइड बनेगा वो अम्बरा होगा और जहाँ पे लाइट साइड हो बनेगा उसको हम पेन अम्बरा बोलेंगे ठीक है ल्यूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्टियल ल्यूनर एक्लिप्स हमारा दो तरह का होता है एक टोटल होता है और एक पार्टियल होता है वेन मून इज कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ जब मून जो है पूरी तरह से शेडो से ढक जाए अर्थ के शेडो से पूरी तरह से ढक जाए तो उसे हम बोलेंगे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। लेकिन जब मून का कुछ पार्ट ही जो है कुछ पार्ट कुछ हिस्सा ही जो है साइडों से ढक जाता है तो उसे हम बोलते हैं पार्टियल ल्यूनर एक्लिप्स सपोज़ दैट अभी ये मून हमारा यहाँ पे है अगर ये मून हमारा यहाँ पे आ जाता सपोज़ दैट ये मून हमारा यहाँ पे आ जाता तो मून का सिर्फ़ ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ब्लॉक होता साइडों से और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ब्लॉक ना होता तो इसमें क्या हुआ कि मून का सिर्फ़ आधा हिस्सा ब्लॉक हुआ और ऊपर वाला आधा हिस्सा बचा रह गया इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे पार्टियल ल्यूनर इस वाले कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे टोटल ल्यूनर एक ठीक है आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अब हम चलते हैं सोलर ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बात कर लें कि ये क्या होता है वेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ जब मून जो है बीच में आ जाए ठीक है अर्थ के और सन के होता क्या है अभी मैंने आपसे बताया कि ये मून जो है सन के चारों तरफ घूमता है और अर्थ जो है और ये ये मून जो है सॉरी मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है और ये अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है तो इसमें कई सारी कंडीशन होती हो हो जाती हैं कभी कभी मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के और कभी कभी अर्थ बीच में आ जाती है, है मून और सन के ठीक है तो इस कंडीशन को जब मून बीच में आ जाए ठीक है सन और अर्थ के तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूनर है सॉरी सोलर एक्लिप्स ठीक है ओके okay. तो सोलर में अब शैडो किसके ऊपर बनेगा अर्थ के ऊपर किसका शैडो बनेगा मून का ल्यूनर इक्लिप्स में शैडो किसका बनता था अर्थ का बनता था मून के ऊपर लेकिन अब इसमें सोलर इक्लिप्स में ठीक उल्टा हो जाएगा मून का शैडो बनेगा अर्थ के ऊपर ठीक है

रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ इट्स समटाइम्स कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ तो जब ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कभी कभी एक स्थिति ऐसी भी आती है कि ये सन और अर्थ के ठीक बीच में आ जाता है अब इस कंडीशन में क्या होगा द रेज ऑफ द सन कैन नॉट रीच द अर्थ इस कंडीशन में सन की जो रेज है सन की जो किरणें हैं वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती हैं ठीक है क्योंकि बीच में जब आ गया तो इसने लाइट को ब्लॉक कर लिया इन अदर वर्ड्स यू कैन से द शेडो ऑफ द मून कास्ट ऑन द अर्थ अब जब ये सन लाइट को जो है ब्लॉक करेगा तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी अर्थ के ऊपर बनेगी और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स ठीक है वेन सन इज कंप्लीटली हीडन बाई द मून अब जब सन जो है पूरी तरह से मून से ढक जाता है तो उसकी पूरी शेडो बनेगी तो इट इज कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स इस कंडीशन को हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं और जबकि अगर अर्थ का थोड़ा सा हिस्सा ही जो है ढकता है उसके सैडो से मून की साइडों से तो इसे हम बोलते हैं पार्टियल सोलर एक्लिप्स अगर हम इस फिगर से समझें तो ये देखो अभी सन अर्थ हमारा यहाँ पे है तो इसका ये वाला हिस्सा हमारा ये ढका हुआ है ये ये हिस्सा जो है ये ढका हुआ है जिसमें कि ये वाला हिस्सा डार्क ढका हुआ है ठीक है क्योंकि यहाँ पे डार्क साइड हो क्योंकि क्योंकि इसने जो है ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा ब्लॉक हो कर दिया लेकिन सन रेज जो है यहाँ से तो निकल के जा रही है ठीक है तो अब ये जो डार्क वाला हिस्सा है उसको हम जो है पार्टियल एक्लिप्स बोलते हैं है ना सॉरी जो डार्क वाला हिस्सा है उसको एनुलर एक्लिप्स बोलेंगे और जो लाइट वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे पार्टियल एक्लिप्स बोलेंगे ठीक है तो ये आपकी दो कंडीशंस बनती हैं कभी कभी क्या होता है कि अर्थ हमारा जो है मान लो तो ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाए यहाँ पे आ जाए ठीक है या इस तरह से हो जाए तो ये वाला हिस्सा तो ढका रहेगा और ये वाला हिस्सा जो है पूरा ओपन हो जाएगा तो इस जहाँ तक ये वाला हिस्सा ढका रहेगा उसको हम बोलेंगे पार्टियल जो है पार्टियल एक्लिप्स ठीक है सेम वही कंडीशन जैसे हमने ल्यूनर में पढ़ा था वही कंडीशन इसमें भी हो जाती है ठीक है एक्लिप्स शुड नॉट बी सीन थ्रू नेक्स्ट आइज स्पेशल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड टू सी द एक्लिप्स अब ये जो एक्लिप्स होते हैं इनकी जो सैडोब आती है उनको हमें नेक्ट आइज से नहीं देखना चाहिए ठीक है उसके लिए कुछ स्पेशल एकुपमेंट्स आते हैं जैसे कुछ ग्लासेज हो अगर आते हैं सन ग्लासेज आते हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए ठीक है तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स यू यू वुड गॉट बेटर अंडरस्टैंड सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग